गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आज हम कद्दू की खट्टा सब्जी बनाने वाले हैं। कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बना चुके हैं, लेकिन आज कद्दू की खट्टी सब्जी बनाने वाले हैं। इसको मसूर के साथ बनाएंगे दही डाल के। तो देखते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले इस तरह से देखिए, कद्दू को इतना बड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा टुकड़ों में काट लिए हैं, आधा किलो है ये। और उसके पास 250 ग्राम दही लिए हैं, और ये दो टमाटर है इसको काट लिए हैं, प्याज है और हरा मिर्ची है दो, उसको बारीक काटे हैं, कढ़ी पत्ता है थोड़ा से बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ती ले लिए हैं। और ये मसूर है, मसूर इस तरह से रहता है, देखिए मसूर दाल आता है लेकिन ये दाल नहीं, साबुत मसूर है। और इसके बाद फिर ये 1 चम्मच बेसन ले लिए हैं, 1 चम्मच नमक लिए हैं, और इसके बाद फिर सूखा मसाला में ये लाल मिर्च पाउडर है, और ये जीरा है, फिर ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, थोड़ा से मेथी दाना ले लिए हैं, और ये राई दाना है। मैं गरम मसाला नहीं ली हूँ क्योंकि खट्टा सब्जी में मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से देखिए, ये मसूर का दाना है, इसको बढ़िया से अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। इसके बाद इसको धोने के बाद इस तरह से एक कुकर ले लेते हैं, और कुकर में इसको डाल देना है, और डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, क्योंकि इसको 2 सीटी तक से इसको उबालना है। पूरी तरह इसको दाल की तरह नहीं पकाना है, बस ये पक जाए इस तरह, इसको 2 सीटी में पक जाता है, तो इसको 2 सीटी पहले लगा लेते हैं। जब तक हमारा मसूर उबल रहा है तब तक से सब्जी को भून लेते हैं। तो सब्जी भूनने के लिए इस तरह से देखिए कढ़ाई ले लिए हैं, उसमें करीब 4 चम्मच तेल डालना है, मैं रिफाइंड तेल ली हूँ, और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें थोड़ा से करीब ये आधा चम्मच ही है, छोटी चम्मच में मेथी दाना डाले हैं, और मेथी दाना कद्दू के सब्जी में अच्छा लगता है। इसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल दिए हैं, और जीरा डालने के बाद थोड़ा से सरसों दाना डाल दिए हैं। इसके बाद फिर इसमें मीठा नीम की पत्ती डाल दिए हैं, और ये हरा मिर्ची को भी डाल दिए हैं। बाद फिर इसमें प्याज डाल दिए हैं, प्याज को भून ले रहे हैं। ब्राउन हो गया है तो इसी में ये कद्दू का पीसेस है, इसको डाल के बढ़िया से इसको चला चला के भून लेते हैं इस तरह से। कद्दू को 2 मिनट भूनने के बाद इसमें फिर मसाला कुछ डाल देते हैं, ये हल्दी पाउडर है थोड़ा से, करीब आधा चम्मच है, इसको डाल दिए हैं। फिर इसके बाद इसमें मिर्ची पाउडर है ये, और इसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर है, 1 चम्मच डाल दिए हैं। इसके बाद इसको अभी इसका आँच को बिल्कुल धीमा आँच कर देना है, क्योंकि ये ड्राई मसाला है, जलने का डर रहता है, तो इस तरह से इसको धीमा आँच में ही पकाना है। ये मसाला हमारा भून गया है, तो गैस के फ्लेम को कम कर देना है, और इसको कद्दू को थोड़ा ढक ढक के पकाएंगे। इस तरह से देखिए, इसको थोड़ा से निकाल निकाल के इसको चला लिए थे, नहीं चलाने से फिर ये चिपक जाएगा, और ये थोड़ा से आधा अभी पका है, पूरा नहीं पका है, तो इसको क्या करना है, इसको इस ऐसे बीच में जगह बना लेते हैं, और इसी में टमाटर को, मैं सब्जी बनाने का आसान तरीका इसको बता रही हूँ, इसी में ऐसे बनाने से पक जाता है। और क्या करना है, इसमें लास्ट में ये नमक डाले हैं, इसी टमाटर डाले हैं, इसी में नमक को डाल देते हैं तो बढ़िया से ये गल जाएगा। इस तरह से देखिए, पूरा सब्जी के लिए टमाटर डाल दिए हैं इसमें, और इसके बाद फिर ढक के बिल्कुल मीडियम फ्लेम में थोड़ा देर पका लेते हैं। इसको 2-3 मिनट पकाने के बाद धीमी आंच में, ये देखिए टमाटर हमारा कैसे बढ़िया गल गया है, ये आसान तरीका है बढ़िया पकाने का। तो इसको थोड़ा से मैश कर देते हैं, अभी हमारा गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, ये टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं, फिर इसको मिला लेते हैं।
इसको पूरा मैश करने के बाद इसमें थोड़ा से पानी डाल के पकाना है इसको, इस तरह से देखिए। अभी मैं थोड़ा ही पानी डाली हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डाली हूँ अभी, बाद में और पानी डालेंगे। इसके बाद गैस के फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देना है और इसको ढक के थोड़ा से 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं। इसको करीब 5-10 मिनट पकाने के बाद ये देखिए, ये हमारा मसूरी को, इसको मसूर बोलते हैं, इसको 2 सीटी में ये नहीं पकता है, तो यदि और 2 सीटी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि कोई कोई मसूरी जल्दी पक जाता है, कोई जल्दी नहीं पकता है। और इसको मिलाना है इसको इस तरह से देखिए, और इसको मिलाने के बाद थोड़ा देर और पका लेते हैं। मसूर को डालने के बाद थोड़े से और पानी डाल दिए हैं इसमें, और इसके साथ वो भी पक जाएगा, थोड़ा ढक के इसको 2 मिनट और पका लेते हैं। ये देखिए, जब तक हमारा सब्जी पक रहा है तब तक ये फेटा हुआ दही लिए थे, इसमें 1 चम्मच है ये बेसन, इसको डाल देते हैं और इसको डाल के थोड़ा सा इसको फेंट लेते हैं। बेसन को इसमें अच्छी तरह से मिलाना है, कोई गुठलियाँ नहीं पड़ना चाहिए। इसको 2-3 मिनट इसको पका लिए हैं, और ये हमारा कद्दू है, ये कद्दू हमारा पक गया है कि नहीं देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए पक गया है इस तरह से, ये देखिए कद्दू पक गया है ये। तो इसके बाद फिर इसमें दही को डाल देते हैं। इसके बाद फिर इसमें ये फेटा हुआ दही है, इसको इस तरह से धीरे धीरे करके डालें, इस तरह से इसको डाल देना है। दही डालने के बाद इसको 5 मिनट और पकने देते हैं, क्योंकि दही में बेसन डाले थे, तो बेसन हमारा अच्छा से पक जाएगा और इसके बाद फिर खट्टा सब्जी बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा पकने देते हैं इस तरह से, देखिए इसको करीब 5 मिनट और पका लिए हैं, तो हमारा सब्जी बन के तैयार हुआ है। और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है, कलर इसका चेंज हो गया है, क्योंकि इसमें हम दही डाले हैं। और ये सब्जी इसी तरह से थोड़ा से ग्रेवी वाला रहता है, इसी तरह से रसा रहता है। तो अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसमें धनिया पत्ती डाल देती हूँ, लास्ट में थोड़े से धनिया पत्ती इसमें डालना रहता है। इसके बाद फिर इसको मिला लेते हैं, और इसके बाद फिर मैं इसको सर्व करके बताती हूँ। इस तरह से देखिए कद्दू और मसूर की सब्जी, इसको दही में बनाए हैं, खट्टा सब्जी बन के तैयार हो गया है। ये रसेदार सब्जी रहता है, और गर्मी के दिनों में इस तरह के सब्जी बना के खाने से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। गर्मी में दही वाला सब्जी बना के अक्सर खाया जाता है, तो आप लोग भी इस तरह से बना के खाएँ, और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।